हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने ठाकुर जी की जो ऐसी हैवी वर्क की पोशाक होती है, इसे हम ड्राई क्लीन, घर पे हम ड्राई क्लीन कैसे कर सकते हैं। इसके साथ हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है कि जो हम नॉर्मल पोशाक हो तो हम पानी में धो सकते हैं, बट ये अगर हम ऐसे डायरेक्ट पानी में डिटर्जेंट के साथ धो देंगे तो हमारी पोशाक बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमने एक अलग सा फॉर्मूला निकाला है जो हम इसको डायरेक्ट गंगा जल, पानी और ब्रश की सहायता से धोएंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा, ये हमारी पूरी पोशाक चाहिए होगी, और नॉर्मल वाटर लिया है हमने, नैपकिन लिया है और गंगा जी का जल लिया। गंगा जल शुद्ध होता है इसीलिए हम आखिरी में गंगा जल से इसकी शुद्धि करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपनी पोशाक लेंगे और एक टूथब्रश लेंगे। टूथब्रश इसके लिए बिल्कुल अलग सा रखें, आप वही टूथब्रश यूज़ ना करें जो आप यूज़ में ले रहे हैं। अब फिर इससे हम अपने पोशाक में जो हमें गंदगी दिख रही है उसको धीरे धीरे पूरी हटा लेंगे। ये जैसे ये देखिए, ऐसा करके हम पूरे पोशाक में इसको एक बार राउंड ले लेंगे, ताकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो या अगर कुछ हो तो हम उसको पूरा हटा लेंगे। देखिए, एक बार जो हमने ठाकुर जी को पोशाक पहना दी, वही पोशाक हमें दूसरी बार बिना उसे साफ किए नहीं पहनानी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में ठाकुर जी ने बिल्कुल पूरा एक अध्याय हमें सफाई के ऊपर बताया है, और ऐसे में हम उनकी पोशाक ना धोएं तो ये गलत है। इसीलिए हमें पोशाक को बिल्कुल साफ करके ही ठाकुर जी को पहनाना चाहिए। अब हम आगे का स्टेप करेंगे। इसके लिए हमने जो नैपकिन लिए है उसको इस पानी में ऐसा डुबा के और इसके सारे पानी को इसी में निचोड़ करके निकाल देंगे। हमने इसको पूरी ड्राई कर ली है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बस ये हल्की गीली होनी चाहिए। अब इस गीली नैपकिन से हम अपनी पोशाक को धीरे धीरे करके पोंछ लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं रगड़े, अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको रगड़ेंगे तो इसका जो पूरा वर्क है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम इसे धीरे धीरे अपनी सभी पोशाकों को, उनके जो भी हैं पटका या फिर जो ऊपर की चोली होती है अगर वो अलग है, तो हम उसको धीरे धीरे करके पूरा साफ कर लेंगे। ये देखिए मेरी पोशाक है, इसको मैं धीरे धीरे करके पूरे अच्छे से पोंछ करके, जहाँ भी अगर मुझे थोड़ा डस्ट पार्टिकल दिख रहा है तो उसको मैं धीरे धीरे पूरा साफ कर लूँगा। देखिए मेरी एकदम हैवी वर्क की पोशाक है, इसे भी मैं साफ कर रहा हूँ। नैपकिन भी आप जो अपने ठाकुर जी के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो अपने मंदिर को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, दोनों ही नैपकिन इसमें यूज़ की जा सकती है। ये मेरी बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की पोशाक मतलब है, और इसमें जो वर्क है वो मैंने पेस्ट किया हुआ है, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाऊंगा इसमें। ये मेरी दूसरी पोशाक है, ये मैं इसे ऐसा साफ कर दूंगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगा है, क्योंकि ये जो मेरे रोजेज हैं पूरे पेस्टेड हैं, और ये वाली पोशाक भी हम बिल्कुल इस तरह से पोंछ पोंछ के साफ करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें पोशाक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना है। हमने देखिए यहाँ पे एक आसन बिछाया हुआ, ऐसे रखें क्योंकि वो जमीन पे गई तो वो फिर क्योंकि हम जमीन में दिन भर चलते हैं, उसे खूनते हैं तो वो फिर अशुद्ध हो जाएगी। इसीलिए हम नीचे कोई कपड़ा बिछाएं, कोई पाटा रखें, ऐसे ही साफ कर दें। अब हमें क्या करना है, गंगा जल लेना है, गंगा जल, गंगा जी शुद्ध है, उसको लेके हम पूरी अपनी पोशाक पे छिड़काव कर देंगे। ये हमने सभी पोशाक पे गंगा का जल छींक लिया है, इससे अगर इसमें कोई अशुद्धि होगी, बच गई है, तो वो भी निकल जाएगी। गंगा जल अवश्य छिड़क के, और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते, आपको लगता है कि आपने पोशाक एक ही बार पहनाई है और पोशाक बिल्कुल साफ है, तो आप उसे गंगा जल ही छींक के इसको यूज कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी पोशाक हल्की हल्की गीली हो गई है, तो हम इसको आधे से एक घंटा पंखा की हवा के नीचे रख देंगे, ताकि वो वापस से पूरी ड्राई होकर रेडी हो जाए। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट और सजेशन है तो कृपया करके आप हमें लिखें, और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कृपया आपके पास जो भी है सजेशन है उसके ऊपर वीडियो बनाएं, हमारे साथ शेयर करें। हरे कृष्णा राधे राधे।